हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज दिन है वेनसडे और आज 10 तारीख है। तो आज मेरा बर्थडे है और मेरा चश्मा भी आ गया है बन करके, आज ही आया है। वो शाम के टाइम में यहाँ पर आए थे, मतलब सामान वामान सब रखने के बाद में फिर सुबह में गए हैं यहाँ से। फिर मेरा चश्मा ला के मुझे दे करके तब वो वापस घर गए हैं, क्योंकि कल ना मांटू का एडमिशन होना है तो उनको वहाँ पे जाना है एडमिशन के लिए। एक दो चीज़ें और हैं जो करनी है तो वो कल वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो आज जो है जन्मदिन है तो कोई मतलब कुछ लोग आने वाले हैं, जो आने वाले हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। आई होप आप लोग खुश हो जाओगे देख करके। और आज जो गर्मी है ना, आज की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है गर्मी की वजह से, बस पूछिए मत। अभी तो मुझे तो चश्मा लगाने की कुछ तो मेरी आदत छूटी हुई है, क्योंकि बहुत टाइम से लगा नहीं रही थी। और ये परमानेंट का चश्मा है, मतलब जो परमानेंटली होता है वही वाला है। अब इसको उतार रही हूँ ना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसको लगाती हूँ तो ही थोड़ा सा साफ दिखाई देता है। और इस बार मैंने छोटे फ्रेम का बनवाया है, क्योंकि पहले वाला जो चश्मा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि बहुत बड़ा है, थोड़ा सा छोटा, तो इस बार मैंने छोटे फ्रेम का ही बनवाया है। सो चलिए मिलवाती हूँ आप लोगों से, कौन आएगा और कैसे हम अपना जन्मदिन मनाएंगे। कुछ ज़्यादा खास नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ही, जो भी थोड़ा बहुत जैसे भी करेंगे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर भाभी जो हैं वो मिर्च और सौंफ धनिया पीस रही हैं धूप में सुखा करके। घर का पिसा हुआ मिर्च सौंफ धनिया ठीक रहता है। और आप लोग देख रहे होंगे मांटू की माँ जी आई हुई है। तो हाँ, जन्मदिन पर मैंने मम्मी पापा जी को दोनों को बुला लिया। मैंने कहा चलो, हम तो अकेले रह कर के तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते ही रहते हैं, बड़ों का भी साथ होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो किसी को नहीं बुलाते हैं, पर हाँ मम्मी पापा को बुला लेते हैं। और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि बनानी है मटर पनीर की सब्ज़ी, तो टमाटर काट के रख लूँगी। और जो मटर हैं उनको भी वॉश करके रख दूँगी, मतलब पानी में डाल करके इनको थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे, ठंडे पानी में मैं डाल करके इनको रखूँगी। और फिर इसके बाद में जो पनीर है उसको भी कट करके रख देंगे, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी भी आज काफ़ी टाइम बाद हम बना रहे हैं, मतलब मुझे तो दिल्ली से आए हैं जब से हमने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर पनीर को अच्छे से मैं टुकड़ों में काट के रख दूँगी। भाभी बोल रही थी कि पनीर को जो छोंक है वो आप ही लगाना, क्योंकि आप बनाते रहते हो। यहाँ पर गाँव में ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती हैं, जब कोई तीज त्यौहार होता है या कोई स्पेशल दिन होता है तभी ये सब चीज़ें बनती हैं। वैसे नॉर्मल ही खाना ज़्यादातर बनाया जाता है, और गर्मी में तो वैसे भी नॉर्मल ही खाना बनता भी है और खाया भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी को भी पीस लिया, थोड़ा सा दरदरा पीसा है, ना कि बिल्कुल महीन पेस्ट बनाया है। सारी चीज़ों को पीसने के बाद में अभी मैं किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैसी सा हो रखा है। क्या मैं कोई जोड़े जोड़े इधर
तो अभी यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी पापा जी और पापा भाई, और खूब सारी मस्ती हो रही थी। आप लोगों को तो पता ही है पापा बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। मेरे पापा रागनी, गाने, भजन ऐसी चीज़ें बहुत गाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत मन लग रहा था। तो मैं फाइनली यहाँ पर सब्जी को छोंक लगा रही हूँ। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और आप लोग देख रहे होंगे मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया है, और ज़्यादा तेल इसलिए नहीं क्योंकि टमाटर पीस लिए तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा तेल की ज़रूरत होगी। तो थोड़ा तेल डाल लिया है, फिर इसमें डाल दिया था मैंने जीरा, और जो मैंने प्याज पीसी थी वो प्याज और लहसुन मैंने दोनों एक साथ में ही मिक्सी में पीस लिए थे। तो प्याज और लहसुन मैं इसमें डाल दूँगी, जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो टमाटर की मैंने प्यूरी बना करके रखी है वो, और टमाटर में ही मैंने हरी मिर्च डाल दी थी वो उसी में पीस लिया था। अभी मैं इसमें डालूंगी सौंफ, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च जो कि घर में पिसी हुई है, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कलर वाली मिर्च। नमक डाल दिया है ताकि जो ये मसाला है वो अच्छे से पक जाए, और इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी जो कलर वाली मिर्च होती है लाल वो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि सब्जी में कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। फिर मैंने इसमें डाली है, थोड़ी सी डाली है, 2.5 चम्मच के करीब होगा दही, तो दही डाल दी है, इसको लगातार चलाते रहना है, और मलाई डाल दी है। दोनों चीज़ें डालने के बाद में इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी जब तक, हाल तो इसमें उबाल आ ही रहा है, इसको आप अगर चलाते रहोगे ना तो फटेगा नहीं, वरना तो ये फट जाता है। और यहाँ पर भाभी जो है वो बना रही हैं रायता, तो दही ले ली है, उसमें बर्फ़ डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मतलब जो है वो बिलोलना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो किसको बिलो लेंगे और रायता हो जाएगा, क्योंकि पनीर हो और पूरी हो उसके साथ में रायता ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है मटर अच्छे से वॉश करके, और मटर डालने के बाद में एक बार मैं इसको मसाले में मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा मैंने और इसमें नमक डाला है, उसके हिसाब से मैं नमक डालती हूँ। पहले तरी में डाल दिया, फिर थोड़ा सा और नमक डाला, अब पनीर डाल के, पानी डाल के थोड़ा सा नमक मैं इसमें बाद में डाल दूँगी। पनीर डाल दिया है, मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इधर यहाँ पर इसमें जो बूंदी होती है वो डाल दी है, काला नमक, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, और फिर इसमें छोंक लगा देंगे, तो रायता भी बन करके तैयार हो जाएगा। सब्जी हमारी छुक चुकी है, तो बस फाइनली अभी खाना बनाना बाकी रह गया है। तो अभी यहाँ पर मुझे झाड़ू लगानी है, क्योंकि भाभी खाने पीने में लग रही है, और अंशुल जो है वो गुब्बारे फुला रहे, बहुत छोटे छोटे से बलून थे, मेरी दिन को देख करके ही हंसे छोटे, मैंने कहा इतने छोटे छोटे से गांव में नहीं मिल पाते हैं ना ये सब चीज़ें, बहुत ऐसे ही मिलता है, तो वही सब लिया, बाहर से नहीं लाए थे कुछ भी। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारे घर में झाड़ू निकाल दूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं गर्मी ने। तो सब्जी यहाँ पर बन गई है, और सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। धनिया पत्ती आप लोगों को पता ही है अभी घर में नहीं है, तो बस मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और ये मंगाए हैं सफ़ेद वाले जो होते हैं रसगुल्ले, वो ही मंगवाए हैं, और रायता है। तो थाली लग करके हो गई है तैयार। मम्मी पापा जो हैं वो पूरी नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, क्योंकि पापा जी को भी सांस की दिक्कत रहती है और मम्मी को भी परेशानी है, तो इन लोगों के लिए रोटी बना दी थी। सबसे पहले इन्हीं को खाना खिलाया था, क्योंकि फिर इनको ना वापस घर भी जाना था, घर पर कोई है नहीं, तो मम्मी बोल रही थी कि घर जाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले इनको खाना पीना खिला दिया था। खाना पीना खिलाने के बाद में फिर केक कट कर लिया था हम लोगों ने, फिर बाद में अपना खाना पीना खाया था। हमने कहा चलो पहले फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जाना भी है, देखिए फिर लेट सवेर, क्योंकि पापा से अंधेरे में बाइक वाइक भी नहीं चलेगी, तो फिर मैंने सोचा चलो टाइम से ही सारा काम जो है वो निपटा लेते हैं। Thank you.
तो अभी जो है इनको खाना खिलाने के बाद में फिर ये थोड़े से बलून थे तो वो थोड़े से क्योंकि मांटू को खुशी होती है इनको देख करके तो उसी के लिए, और ये एकदम से पंखा चला तो सारे के सारे ही उड़ गए। और यहाँ पर जो है एक मोमबत्ती इसमें लगा दी है। देखिए वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, बहुत कम ही ये सब चीज़ें अपने लिए करती हूँ, पर जब करते हैं तो अच्छा लगता है ये सब करना भी। तो भी यहाँ पर केक काट दिया है और आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे बच्चे इतने मस्ती नहीं करते होंगे जितने हमारे घर में बड़े मस्ती करते हैं, तो खूब मज़ा आ रहा था देखने में भी। देखने में यानी जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो तब भी मतलब हंस रही थी वीडियो को देख करके कि मतलब बच्चे भी नहीं करेंगे किसी के घर में इतनी मस्ती जितनी मेरे पापा जी अकेले कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर केक कट गया है, सभी बच्चों को भी दे दिया है, बड़ों को भी दे दिया है, सब लोगों को खिला दिया है। तो सब चीज़ें होने के बाद में तो मम्मी और पापा जी अभी जा रहे हैं और देवर की लड़की भी आई हुई थी उनकी, तो यहाँ पर अभी ये निकल रहे हैं, टाइम से ही निकल जाएंगे क्योंकि पापा जी बाइक जो है वो भी धीरे धीरे ही चलती है, ज़्यादा तेज नहीं चलती। तो मांटू तो रोने भी लगी थी क्योंकि उसको भी माँ जी के साथ में जाना था। मैंने कहा कि एक दो दिन में हम भी चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना बाबा जी की तबीयत ख़राब है तो ज़्यादा इसकी वो हो भी नहीं पाएगी। फिर मम्मी बोल रही थी कि अपने साथ ही ले करके आना जब तुम आओगी। तो बस यहाँ पर वो लोग चले गए हैं। उनके जाने के बाद में अब भाभी पूरियाँ बनाने लगी थी क्योंकि अभी सब लोग खाना खाए बगैर रह रहे, तो हम झटपट से बहुत स्पीड के साथ में फिर अपने काम में लग गए थे। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद में मैं मम्मी और भाभी तीनों ही रह गए थे, तो हमने तीनों ने अपना बाहर ही लेकर के खटिया पे रख लिया है पूरी सारों तीनों ने अपनी सब्जी मीठा डाल करके तो यहीं पर रख लिया है। हमने सोचा चलो सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाएंगे, बहुत भागम भाग हो गई, अब तसल्ली से खाना खाते हैं बैठ करके, तो आप लोग भी खा लीजिए और मेरे साथ में एकदम होना चाहिए। सही बात भाई, लगा तो रही हूँ वैसे भी ना होता रहे तो वैसे भी उतार कर। गेम जरूरी है। अंशुल बंदर बोल ले कहीं। तो गाइस हमने अभी खाना पीना खाया है और बस भागम भाग में लगे हुए थे, भागा दौड़ में लगे हुए थे।
सुबह से मतलब फुर्सत ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी खाना पीना खा करके भाभी ने, मैंने, मम्मी ने खाया पिया, मैं लेट गई। मैंने कहा भैया अभी मैं थोड़ी देर तो बिल्कुल नहीं हिलूँगी, क्योंकि खाना खा के ना बहुत तेज ऐसा होता है जब थक जाते हैं ना, तब तो और भी ज़्यादा मतलब इतना आलस सा आता है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी पापा जी भी चले गए हैं और बस थोड़ा उनको जल्दी जाना था, क्योंकि घर पे जो बाबा जी हैं, जो मेरे दादा ससुर हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनको मतलब डॉक्टर वॉक्टर के दिखाना, फिर रात को मम्मी को जागना भी होता है। और फिर तीन गायें हैं घर पे, और वो तीनों गायें जो हैं वो दूध मम्मी को ही देती हैं, कोई उनका दूध नहीं निकाल सकता। वैसे भी घर में सिर्फ मुझे और मम्मी को दूध निकालना आता है, मैं दूध निकाल लेती हूँ, मम्मी निकाल लेती, वरना और पूरे घर में किसी को दूध निकालना नहीं आता है। तो इस वजह से भी फिर जो है वो लोग चले गए हैं। और कल वो फिर मैं उनको सोची थी शाम के टाइम में कि वो यहाँ पर आ जाएंगे, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कल को उनको मांटू का एडमिशन कराने जाना है, बोल रहे फिर लेट हो जाएगा। सो इसीलिए मैं कल जाऊँगा मांटू का एडमिशन कराने। कोई बात नहीं, विश उन्होंने कर दिया है, गिफ्ट उन्होंने दे दिया है, आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी कि क्या गिफ्ट दिया है। देखिए वैसे तो सब लोगों का इस बार मुझे आशीर्वाद मिला, यहाँ से भी मम्मी पापा थे, वहाँ से भी मम्मी पापा आए, ये किसी भी गिफ्ट से बड़ा नहीं है। बहुत मायने रखता है कि जब आपके परिवार वाले आप लोगों के साथ में हो, कुछ ऐसे उसमें भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जन्मदिन इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ है, मतलब जहां मेरे मम्मी पापा भी हैं और जहां मेरे सास ससुर भी हैं, सब लोग साथ में थे, सब लोगों ने साथ में मिलकर के सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सो चलिए मैं अभी दो मिनट रेस्ट करूँगी, फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो अभी जो है मैंने आँखों में दवाई डलवाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम पर मेरी आँखों में। तो मम्मी ने यहाँ पर केले रखे हैं थोड़ी देर धूप में, और ये कचरी जो तोड़ी थी ना वो भी धूप में रख दे, क्योंकि इनको भी टाइम टाइम पर धूप दिखानी होती है, वरना इनमें ना सीलन आने लगती है। तो बस मैं अभी बाल कंघी कर रही हूँ, और इतनी गर्मी में ना तो बाल कंघी करने का मन करता है, बालों को खोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। देखो जब गाँव में इतनी बुरी हालत है, तो में क्या हालत होगी इस टाइम पर। वहाँ पर तो बिल्कुल फिर भी घर बंद बंद से रहते हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अभी यहाँ पर काट रही हूँ केले, तो केले काट के इसमें काला नमक डाल करके ही मतलब अच्छे लगते हैं, नमक डाल करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काला नमक और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल लो तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे नहीं खाए जाते मुझसे, नमक वमक डाल करके चाट मसाला डाल करके खा लो तो खाए जाते हैं। तो चलिए अभी ये सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि रोटी पराठे वराठे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, मैंने सोचा चलो यही रखे हुए हैं तो जब तक हम केले ही खा लेते हैं। अभी जो है बोला तो था आप लोगों को रात में मैंने कि मैं भी आप लोगों से बात करूंगी, वीडियो का एंड करूंगी, पर रात फिर हो नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, आज ही क्या कम है, आज कल से भी ज़्यादा हालत ख़राब है। और कल थोड़ा सा हम थक भी गए थे, थोड़ा होता है घूमने फिरने में, और गर्मी में वैसे हालत ख़राब थी, तो मैं रात आप लोगों को ना बाय बाय बोल पाई ना वीडियो का एंड कर पाई। तो मैंने सोचा चलिए तसल्ली से बैठ करके आप लोगों से बात भी करते हैं और वीडियो का एंड भी कर देते हैं। तो मुझे पता है अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आएंगे कि आप मेरठ कब जा रहे हो, सामान घर पर पहुंच चुका है तो उसको सेट वेट करने कब जाऊंगी कब नहीं जाऊंगी। दो तीन दिन का, तीन चार दिन का भी मेरा यहाँ का काम है, फिर मुझे ससुराल भी जाना है। जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ससुराल नहीं जाओगी क्या, तो वहाँ पर भी जाऊंगी। और इनका जो है वो कोर्ट जो है वो खुलने लगे हैं शायद, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो सब चीज़ें ही खुलेंगी, इनका कोर्ट खुलते ही हमें मेरठ जाना ही जाना है। तो बस
जाएंगे ही। 2-3 दिन का बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम रह रहा है, एक तो मेरा डॉक्टर का काम रह रहा है, मुझे वहाँ पर जाना है, और दूसरी चीज़ जो है एक दो चीज़ें और ऐसी हैं जो मुझे करनी है फ़िलहाल, तो उनको सारे काम को निपटा करके तब मैं फिर जाऊँगी मेरठ। बस अभी ये यहाँ के काम ख़त्म होते ही फिर हम मेरठ जाएंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। दूसरा, आप लोग सोचे होंगे कि गिफ्ट क्या मिला है, कुछ मिला भी है या नहीं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या मिला है। गिफ्ट ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, सब लोग थे साथ में मिल करके, सब लोगों ने जन्मदिन मनाया, पहली बार ऐसा हुआ है कि सब लोगों ने मिल करके बर्थडे सेलिब्रेट किया, फर्स्ट टाइम था ये। और चलिए फिर इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी नए चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। दूसरा चीज़, मेरे चैनल के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप वो भी सर्च करोगे तो वैसे भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपको हम इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज करें, आप अपनी आईडी दे दीजिए। तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे भी अगर आप पाखी फैमिली व्लॉग इंस्टाग्राम पे लिखोगे तो सीधा मतलब वहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा तो नहीं एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, कभी कभी पर हाँ जब लोग कमेंट करते हैं या वहाँ पर कुछ पूछते हैं मुझसे तो वहाँ पर रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कम लोग हैं इस वजह से। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।